हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। एम आई प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल? एम आई प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल? ऑल क्लियर, वॉइस एंड वीडियो ऑल क्लियर। ओके, अजय जी ने पहले ही कंफर्मेशन दे दिया है। चलिए चलिए, सभी लोग यहां पर जुड़ जाइएगा हमारे साथ। स्टार्ट करें बिना देरी क्यों हम अपने सेशन को बिना डिले, एनी विदाउट एनी डिले स्टार्ट करें। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग अजय जी, गुड मॉर्निंग अविनाश जी, गुड मॉर्निंग ज्ञान सिंह जी, गुड मॉर्निंग निधि जी, गुड मॉर्निंग अविनाश शर्मा जी। चलिए, तो देखिएगा सभी लोग सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए अपना प्रैक्टिस सेशन। ठीक है, आज जो क्वेश्चंस है वो काफ़ी इजी टू मॉडरेट लेवल के हैं। ठीक है, इजी टू मॉडरेट लेवल में हम यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग दिगंबर भारती जी, देखो नव्या जी, राशि जी, लकी राज जी, मनोज जी, हेमलता जी, स्टेटस इंडिया, गुड मॉर्निंग भानु प्रताप, गुड मॉर्निंग। चलिए पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पाइल्स शुड बी यूज व्हेन द वीक फाउंडेशन सॉइल इज टू बी कॉम्पैक्टेड। गुड मॉर्निंग स्टेटस इंडिया। अच्छा जी, सबसे पहले आते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग पाइल्स शुड बी यूज व्हेन द वीक फाउंडेशन सॉइल इज टू बी कॉम्पैक्टेड। अगर वीक फाउंडेशन सॉइल को कॉम्पैक्ट किया जाना है तो कौन सा पाइल यूज किया जाए, तो हम बात करें सैंड पाइल। सैंड पाइल्स को एज अ कॉम्पैक्शन पाइल भी हम यूज कर सकते हैं, कॉम्पैक्शन पाइल्स भी यूज कर सकते हैं, जिसमें हम सैंड ड्रेन्स बनाते हैं और उसमें बोरिंग करने के बाद सैंड को फिलअप कर देते हैं। तो ये हमारा बात करते हैं, उनको वो क्या बोलते हैं, सैंड पाइल भी बोलते हैं। और ये बीक पाइल की तरह काम करते हैं, जो साइड की सॉइल को कॉम्पैक्ट करने का काम कर रहे होते हैं। तो हम बात करते हैं सैंड पाइल्स जो हमारा है वो कॉम्पैक्शन पाइल की तरह काम कर रहे होते हैं। फ्रिक्शन पाइल क्या होते हैं, ऐसे पाइल जिसमें थ्रू आउट द जो भी हमारा लोड ऊपर से आ रहा है पाइल पर, जो अल्टीमेट लोड आ रहा है वो साइड फ्रिक्शन के कारण रजिस्ट किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन पाइल। पेडेस्टल पाइल्स जो होते हैं वो लंबी लेंथ के लिए होते हैं। फ्रिक्शन पाइल कहाँ पर निकालते हैं, लूज स्ट्रेटा, जब भी लूज स्ट्रेटा मिलता है उसमें हम फ्रिक्शन पाइल को बना रहे होते हैं। ठीक है, एंड बियरिंग पाइल क्या होता है, जब हार्ड स्ट्रेटा पे पाइल्स हमारा कहाँ पर हार्ड स्ट्रेटा पे रेस्ट करता है, तो उस समय जो पाइल निकल करके आता है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम एंड बियरिंग पाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंड बियरिंग पाइल बोलते हैं। तो ये एंड बियरिंग पाइल हार्ड स्ट्रेटा पे ये रिलेटिवली स्टिफ सॉइल में बनाया जाता है। तो यहां पर लिखा है कॉम्पेक्शन के लिए, तो हम बात करते हैं सैंड पाइल से। फर्स्ट का आंसर फर्स्ट नंबर, बहुत बढ़िया यार। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ जो भी आगे आए बट मैं ही शरीफ सिर्फ सही। अच्छा चलो, बिल्कुल सही होना जरूरी है, आगे नहीं आना जरूरी है। ठीक है, हाँ वीक पाइल की तरह काम करते हैं। द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ टेलर्स स्टेट स्टेबिलिटी नंबर, टेलर्स स्लेट स्टेबिलिटी नंबर। ठीक है, हम बता टेलर्स स्लेट स्टेबिलिटी नंबर की लार्जेस्ट वैल्यू, अगर हम बात करते हैं टेलर स्टेबिलिटी नंबर, तो टेलर स्टेबिलिटी नंबर क्या होता है, सी अपॉन गामा एच सी। एच सी क्या होती है, वो क्रिटिकल हाइट जिसमें बीटा ग्रेटर देन फाइव होने पर भी हमारा सॉइल क्या है, स्टेबल कंडीशन में रहता है। स्लोप क्या है, स्टेबल कंडीशन में रहता है। तो उस कंडीशन की अगर हम बात करते हैं तो हमारी टेलर स्टेबिलिटी नंबर की जो वैल्यू निकल करके आती है, एस एन मैक्सिमम निकल करके आया है, वो 0.261 निकल करके आया है। और एक किस एंगल पे, किस एंगल ऑफ स्लोप पे निकल गया, एट द स्लोप एंगल ऑफ 30 डिग्री, स्लोप एंगल ऑफ 30 डिग्री पर निकल करके आया है। ठीक है, तो हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर वन। एक और चीज ध्यान रखिएगा यहां पर कि जो हम टेलर स्टेबिलिटी नंबर है ये बीटा के फॉर्म में भी, तो अगर थ्योरेटिकल मैक्सिमम वैल्यू, थ्योरेटिकल मैक्सिमम वैल्यू पूछा गया है, थ्योरेटिकल मैक्सिमम वैल्यू पूछा गया है, तो वो कितना होती है, वो 50.5 होती है, जो कि कहाँ होती है, बीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पर निकल करके आता है। थ्योरेटिकल मैक्सिमम वैल्यू जो पूछा गया है वो कितना होता है, जो कि क्ले सॉइल के लिए निकल करके आता है, वो कितना निकल करता है, 0.5, और बीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पर होता है। ठीक है, एंड बियरिंग में बल्जिंग ज़्यादा है। ठीक है, एम पी सब्जी नगर फॉर्म कब से फिल होगा सर? मनोज जी, इसकी बात तो अभी तो हम कोई भी नहीं बात बता सकते हैं कब से होगा, बट जल्दी ही इसको संज्ञान में लिया जाएगा। ठीक है, चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग सुप्रभात, मोहन जामरे जी,
भैया सभी लोग सेशन को शेयर कर दो जल्दी से ज़्यादा लोग होने चाहिए, और साथ ही साथ इस सेशन को लाइक भी कर देना यार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर थ्री, द डैम वुड बिकम इररिलीवेंट इफ, अगर डैम की बात करते हैं वो इररिलीवेंट होगा किस केस में, इररिलीवेंट हो जाता है द रॉक्स बिकम स्ट्रांग, अगर द रॉक्स बिकम स्ट्रांग तो इस कंडीशन में हम बात करते हैं ये तो नहीं होगा, बिकम स्ट्रांग तो इररिलीवेंट तो नहीं होगा, वो तो अच्छी चीज है। द रॉक्स बिकम इम्परमिएबल हो जाता है रॉक्स, तो ये भी क्या है, अच्छी चीज है। द रॉक्स बिकम पोरस, पोरस हो जाता है तो जो एक्सेस प्रेशर होगा वो भी वहां से रिलीज हो जाएगा, और पानी अगर वॉइड्स में होगा तो भी ये भी अच्छी चीज है। तो द रॉक स्टार्ट वेदरिंग टू द सर्टेन एक्सटेंट, जिस रॉक पर डैम की साइट बनाई गई है उस डैम को नीचे का जो मटेरियल है वो वेदर्ड होने लगा है, मतलब ये घिसने लगा है, घिसने लगा है, वेदर्ड होने लगा है, और वेदर्ड होने लगा है तो कुछ समय बाद डैम यहाँ पर श्रिंक डाउन हो जाएगा, श्रिंक डाउन हो जाएगा। तो अगर डैम श्रिंक डाउन हो जाएगा तो ये जो फोर्थ नंबर की कंडीशंस बोल रहा है ये सबसे एडवर्स कंडीशन है, सबसे ज्यादा पोरस होना एकदम से हम नहीं बोल सकते हैं कि पोरस होने से डैम की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, रॉक की स्ट्रेंथ कम, लेकिन अगर रॉक के मटेरियल का वेदरिंग स्टार्ट हो गई है तो जरूर डैम श्रिंक डाउन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर आंसर हो जाएगा, क्लियर है सभी को, ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। चलिए अगेन हम बात करते हैं डैम क्या होता है। डैम एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो अपने अपस्ट्रीम साइड पर वाटर को स्टोर करने के लिए बनाया जाता है, अपस्ट्रीम साइड पर वाटर को स्टोर करने के लिए बनाया जाता है, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फोर्थ नंबर, इफ द स्लोप ऑफ अ ग्राउंड इज 3 डिग्री, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्लोप ऑफ अ ग्राउंड इज 3 डिग्री देन द ग्रेडियंट कैन बी रिप्रेजेंट। अब हम बात करते हैं, हमने लिखा हुआ है सर कि अगर स्लोप दिया है थीटा तो टेन थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 1/n होता है। अगर 1/n दिया होता तो उसको परसेंटेज में तो बदल सकते थे सर, 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में तो बदल सकते थे, और परसेंटेज को 1/n में, लेकिन थीटा को 1/n में कैसे कन्वर्ट किया जाए सर, 1/n के फॉर्म में यहाँ पर आंसर दिया है। तो हम जानते हैं कि 180 डिग्री बराबर कितना होता है, पाई रेडियन निकल करके आता है, तो 1 डिग्री बराबर कितना होगा, पाई अपॉन 180। मोहन जामले जी इसकी बात जल्दी ही की जा रही है, और जल्दी ही इसको हम बता दिया जाएंगे कि कब तक अपलोड होंगे, ठीक है, जल्दी बता देंगे, ठीक है, ओके। तो पाई बाई 180 डिग्री, और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 डिग्री होता है तो कितना निकालना है, 3 डिग्री की वैल्यू निकालना है, तो पाई बाई 180 इंटू 3 डिग्री निकाल देंगे, ठीक है। तो ये कितना निकल करके आएगा, जो भी वैल्यू निकल करके आ रही है उसको 1/n के फॉर्म में लिखना है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर पाई बाई 60 निकल करके आ रहा है, और पाई बाई 60 की बात करें 3.14 वैल्यू रखेंगे पाई की, तो ये निकल करके आएगा 1/19, कितना निकल करके आएगा, 1/19। तो ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर, सभी को समझ में आया कैसे सॉल्व किया इसको, अच्छा क्वेश्चन है, कई लोगों के लिए ये क्वेश्चन नया होगा बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहां पर क्वेश्चन नंबर 5th, इफ द लैटिट्यूड एंड डिपार्चर ऑफ अ लाइन, एक लाइन का लैटिट्यूड एंड डिपार्चर जो है वो 100 मीटर एंड 45.83 मीटर है, देन द लेंथ ऑफ द लाइन पूछा जा रहा है कि लेंथ ऑफ द लाइन कितना होगा। तो अगर हम बात करते हैं लैटिट्यूड कितना है 100 मीटर, और डिपार्चर कितना है आपका 45.83 मीटर, तो अगर हम बात करते हैं लेंथ ऑफ अ लाइन निकालना है तो वो क्या होता है, अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ लैटिट्यूड का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ डिपार्चर का स्क्वायर, ठीक है। अजय जी के कमेंट नहीं आ रहे, कहाँ गए, अच्छा हैं, अच्छा हैं, कोई दिक्कत नहीं, देखे देखे। चलो तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 100 का स्क्वायर प्लस 45.83 का स्क्वायर, और इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा, चलिए इसको सॉल्व करते हैं कितना आ रहा है देखते हैं, यहाँ पर 110 मीटर निकल करके आ रहा है, 110 मीटर ऑप्शन नंबर बी, बहुत बढ़िया, बहुत सही जा रहा है। अच्छा अगर इसकी डायरेक्शन निकालनी है तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, टेन इनवर्स समेशन डी वाई एल, समेशन डी वाई समेशन एल, यही होता है क्या, समेशन डी वाई समेशन एल, यही निकल करके आता है, टेन इनवर्स समेशन डी वाई समेशन एल। तो ये हमारा क्या निकल करके आता है, एंगल निकल करके आता है कि इस लाइन का एंगल कितना हो रहा होगा,
ठीक है, और समेशन डी और समेशन लैटिट्यूड की वैल्यू साइन के साथ पुटअप करना है, साइन के साथ पुटअप करना है, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर एंगल निकल करके आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सा था फिफ्थ, सिक्स नंबर क्वेश्चन, आप पिकनोमीटर इज यूज टू डिटरमाइन, ठीक है, अगर हम बात करते हैं, बहुत बढ़िया, दिस दैट्स द स्पिरिट, दैट्स द स्पिरिट। चलो अगर हम बात करते हैं यहां पर, अब पिकनोमीटर इज यूज टू डिटरमाइन, पिकनोमीटर क्या क्या चीज़ों को डिटरमाइन करने के लिए यूज करते हैं, तो इसका आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा, सिक्स का फोर नंबर, वर्क वॉइड रेशियो एंड ड्राई डेंसिटी नहीं करते हैं, वाटर कंटेंट एंड वॉइड रेशियो, वाटर कंटेंट के लिए तो हम नहीं करते हैं लेकिन वॉइड रेशियो के लिए नहीं करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड ड्राई डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए करते हैं बट ड्राई डेंसिटी के लिए नहीं करते हैं, तो वाटर कंटेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी सही आंसर हो गया। अगर वाटर कंटेंट निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू टू माइनस डब्ल्यू वन अपॉन डब्ल्यू थ्री माइनस डब्ल्यू फोर जी माइनस वन अपॉन जी इंटू माइनस वन इंटू हंड्रेड, ये वाटर कंटेंट के लिए फॉर्मूला निकल करके आता है, ठीक है। अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना है, ठीक है सर, मैंने एनवीसीसी में ओल्ड सेंटर टेस्ट अपलोड किया है, कोई इश्यूज नहीं है, जहां तक है कोई इश्यूज नहीं होगा, कोई इश्यूज नहीं होगा, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू क्या होगा, डब्ल्यू टू माइनस डब्ल्यू वन अपॉन डब्ल्यू फोर माइनस डब्ल्यू वन माइनस डब्ल्यू थ्री माइनस डब्ल्यू टू। अब डब्ल्यू वन क्या होता है, डब्ल्यू वन एम्प्टी पिकनोमीटर का वेट होता है, डब्ल्यू टू क्या होता है, उस एम्प्टी पिकनोमीटर में हमने कुछ सॉइल को फिलअप कर दिया है, केवल सॉइल को फिलअप कर दिया है, ठीक है, मॉइस्ट सॉइल को फिलअप कर दिया है, तो हमने सॉइल को फिलअप कर दिया। और डब्ल्यू थ्री क्या होता है, डब्ल्यू थ्री होता है कि कुछ वॉल्यूम जो सॉइल भरा हुआ था और रिमेनिंग वॉल्यूम हमने किससे फिलअप कर दिया है, रिमेनिंग वॉल्यूम हमने वाटर से फिलअप कर दिया है। और फोर्थ वाले में क्या होता है कि पिकनोमीटर, डब्ल्यू फोर क्या होता है, पिकनोमीटर कंप्लीटली फिल्ड विथ वाटर, ये हमें चारों चारों चीजें निकालते हैं, ठीक है। चलो तो अगर हम बात करते हैं यहां पर, दोनों के फॉर्मूले भी हमने यहां पर देख लिए, ठीक है, आपको भी बहुत बहुत प्रणाम डिजिटल वर्ल्ड। चलो क्लियर है बात, क्लियर है बात, तो ये हमने यहां पर आंसर दिया है सिक्स का फोर्थ नंबर। सेवेंथ, एक्रेलिक इज द नेम ऑफ, ठीक है, एक्रेलिक इज द नेम ऑफ, अगर एक्रेलिक की बात करें तो एक्रेलिक किसका नाम है, एक्रेलिक नाम है मैथिल मेथा क्राइलेट का, अगर मैथिल मेथा क्राइलेट की बात करें तो इसको और क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्रिल ग्लास या फिर प्लेक्सी ग्लास भी बोला जाता है, प्लेक्सी ग्लास, ठीक है, एक्रिल ग्लास या प्लेक्सी ग्लास की हम बात कर रहे हैं, एक्रिल ग्लास या प्लेक्सी ग्लास भी बोला जाता है। 2134 होता सर, 2134 होता, काली चरण जी बिल्कुल 2134 होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं ये क्या है, एक एक थर्मोप्लास्टिक होता है, क्या होता है, थर्मोप्लास्टिक ये होता है, ठीक है, और सर थर्मोप्लास्टिक होता है साथ साथ ये कैसा रहता है, ट्रांसपेरेंट रहता है। ये किस लिए यूज किया जाता है, जो आई लेंसेस बनते हैं, आई लेंसेस के लिए, जो केमिकल लेबोरेटरी में जो एपरेटस बनते हैं उनके लिए, जो विंड स्क्रीन बनती है एयरप्लेन्स में उसके लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं, और ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ कर रहे होते हैं। अगेन कहाँ यूज़ किया जाता है, जब टेंसाइल स्ट्रेंथ, फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ और अल्ट्रावायलेट रेजिस्टेंस हमें चाहिए पड़ता है, तो उस कंडीशन में इसको यूज़ करते हैं, एज कम्पेयर टू इम्पैक्ट स्ट्रेंथ एंड केमिकल रेजिस्टेंस, केमिकल रेजिस्टेंस और इम्पैक्ट स्ट्रेंथ के कंडीशन के अलावा हमें टेंसाइल स्ट्रेंथ, अल्ट्रावायलेट रेजिस्टेंस और जो हमारा है चाहिए पड़ता है, तब हम इसको करते हैं, ठीक है। चलो स्टेरिल भी बोले थे आप, स्टेरिल ये सब क्वेश्चन करा चुका हूं, ये सारे क्वेश्चन कहां कराए हैं मैंने, एक क्वेश्चन सेवेंथ नंबर वाला पहले हुआ है, इसके अलावा सारे क्वेश्चन नए हैं, सारे क्वेश्चन नए हैं, टॉपिक कहीं ना कहीं मिक्स करते हैं, क्वेश्चन पैटर्न अलग अलग हो जाता है, क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग हो जाता है, बच्चों यही तो दिक्कत है, आपको लगता है कि सारी चीज़ें हो चुकी हैं, वो डिस्कशन पूरा कर लेता हूँ तो आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें हुई हैं,
ओवरलैप इन द एरियल फोटोग्राफ रेफर्स टू, अगर हम बात करते हैं तो ओवरलैप की तो हमने बात की है, लेकिन ये नहीं किया है कि ओवरलैप क्या होता है। तो ओवरलैप इन द एरियल फोटोग्राफ रेफर्स टू क्या रेफर करता है कि ग्राउंड पे जो इमेज है उन इमेज में कितना पोर्शन हम दोबारा से कैप्चर कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, ओवरलैप बोलते हैं। अब दो तरीके का ओवरलैप होता है, एक हमारी जो फ्लाइट की डायरेक्शन है, फ्लाइट डायरेक्शन है, फ्लाइट डायरेक्शन में जो हम बात करें, ठीक है, फ्लाइट डायरेक्शन है, फ्लाइट डायरेक्शन में जो हम बात कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल ओवरलैप। क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल ओवरलैप। और साइड वाइज डायरेक्शन में जो हम ओवरलैप निकाल करके ला रहे हैं, ये साइड वाइज डायरेक्शन में जो ओवरलैप निकाल के ला रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, लेटरल ओवरलैप या साइड ओवरलैप। तो हमसे बात की जाती है जो लॉन्गिट्यूडनल ओवरलैप है वो 55% से लेकर के 65% के बीच में निकल कर आता है, जनरली हम कितना ले लेते हैं 60%। और साइड ओवरलैप जो निकल के आता है 15% से लेकर के 35% के बीच में निकल के आता है, जनरली हम कितना ले लेते हैं 30% लेकर के काम कर रहे होते हैं। तो हमसे पूछा जाएगा ओवरलैप क्या होता है, दो सेम ग्राउंड फीचर्स को दो बार कैप्चर करना क्या कहा जाता है, ओवरलैप कहा जाता है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ओवरलैप ऑफ द ग्राउंड ड्यू टू द इंक्लिनेशन ऑफ कैमरा, नहीं। ओवरलैप ऑफ ग्राउंड फीचर ड्यू टू द डिफरेंस इन द एलिवेशन ऑब्जेक्ट, नहीं। सेम ग्राउंड फीचर को दो बार कैप्चर करना ओवरलैप कहा जाता है। ब्लरिंग ड्यू टू द लेक ऑफ, अच्छा ओवरलैप करते क्यों है, जो क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं, बिल्कुल अजय जी जो क्वेश्चन हो चुके हैं उनका रिवीजन बिल्कुल जरूरी होता है, ठीक है। तो ओवरलैप करते क्यों है ये बताइए, ओवरलैप करते क्यों है। ओवरलैप इसलिए किया जाता है कि जो कॉर्नर पे डिस्टॉर्शन आ रहे हैं, जो कॉर्नर्स जो होंगे वो यहाँ पर फोटोग्राफ के कॉर्नर्स के डिस्टॉर्शन होंगे, इन डिस्टॉर्शन को हमें रिमूव करना है। दूसरा रीजन क्या है, हमें 3D इमेज जनरेट करना है, और 3D इमेज तभी जनरेट होगी जब हमारे पास ओवरलैप्ड पोर्शन होगा, ठीक है। क्लियर है बात, चलिए क्लियर है सभी को इतना चीज, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, 9th नंबर। कॉफिशियंट ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट इज गिवन बाय, कॉफिशियंट ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट किस तरीके से गिवन देता है। तो जहां पर म्यू पॉइजन रेशियो, तो कॉफिशियंट ऑफ अर्थ प्रेशर कैसे आता है, के नॉट इज इक्वल टू म्यू अपॉन 1 - म्यू निकल करके आता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा, ठीक है। अगेन हम बात करते हैं, एक और चीज ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करते हैं फॉर नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले के लिए, अगर हम के नॉट निकालेंगे, वो के नॉट अगर फाई के फॉर्म में निकालेंगे कितना आएगा, 1 - sin φ निकल करके आता है। दूसरा ओवर कंसोलिडेटेड क्ले के लिए, के नॉट फॉर ओवर कंसोलिडेटेड क्ले इज इक्वल टू कितना निकल के आएगा, के नॉट फॉर नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले इंटू 1 - sin φ निकल करके, इनटू अंडर रूट ऑफ ओवर कंसोलिडेशन रेशियो निकल करके आता है। तो जब फाई एंगल दिया होगा तो इस तरीके से हम निकाल रहे होंगे, बहुत बढ़िया, सभी का बहुत सही जा रहे हो, बहुत सही जा रहे हैं आप लोग, बहुत शानदार। बस सेशन को शेयर करते रहो यार, इतनी कंजूसी ना करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर जुड़ जाएँ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, 10th में पंजाबी है, पंजाबी इज अ स्वीट लैंग्वेज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल आकाश जी, चलो अगर हम बात करते हैं, इन एन इसेंट्रिक कनेक्शंस व्हेन द एक्सिस ऑफ लोड इज लाइंग इन द प्लेन ऑफ बोल्टेड जॉइंट, प्लेन ऑफ बोल्टेड जॉइंट में हमारा एक्सिस ऑफ क्या लाई कर रहा है, एक्सिस ऑफ द लोड लाई कर रहा है, देन द बोल्ट आर सब्जेक्टेड टू, बोल्ट किस पर सब्जेक्टेड होते हैं, तो जो बोल्टेड की एक्सिस है उसमें हमारा कौन लाइट कर रहा है, एक्सिस ऑफ लोड लाई कर रहा है, मतलब इसेंट्रिसिटी जनरेट कर रहा है। और इस कंडीशन में जब इसेंट्रिसिटी जनरेट करेगा तो वहां पर टॉर्शन जनरेट हो जाएगा, और टॉर्शन के कारण क्या आता है, शेयर स्ट्रेसेस आ जाती हैं, टॉर्शन के कारण क्या आता है, शेयर स्ट्रेसेस। तो यहां पर क्या जनरेट हो जाएगा, शेयर स्ट्रेसेस जनरेट हो जाएगी। लेकिन अगर यही लोड एक्सेस प्लेन ऑफ बोल्टेड जॉइंट के बाहर लाई कर रहा होता, प्लेन ऑफ बोल्टेड जॉइंट के बाहर कहीं लाई कर रहा होता, तो उसमें टेंसाइल भी आता, उसमें शेयर भी आता, उसमें बेंडिंग भी आता, उसमें टेंसाइल भी आता, शेयर भी आता और बेंडिंग भी आता। तो उस कंडीशन में ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाता। क्लियर है सभी को बात, क्लियर है सभी को बात, यस और नो। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या है आपका डाउट सर, 8th क्वेश्चन में 1 ऑप्शन के बारे में कुछ बता दीजिएगा, 8th क्वेश्चन में 1 ऑप्शन के बारे में, आप कहाँ पीछे रह जाते हो यार, इतना लेट तो आप रिप्लाई करते हो। द ओवरलैप ऑफ द ग्राउंड ड्यू टू इंक्लिनेशन ऑफ कैमरा, अरे जब ड्यू टू इंक्लिनेशन ऑफ कैमरा होता है उसको हम ओवरलैप थोड़ी ना बोलते हैं, वो तो एक डिस्टॉर्शन है,
वो तो ये इंक्लिनेशन ऑफ कैमरा हुआ, लो ये पूरा का पूरा ले लिया है, पूरा का पूरा हुआ ले, अब यहां पर कुछ निकल करके आएगा, कोई भी रिजल्ट निकल गए, तो ये डिस्टॉर्शन कहा जाता है। ये इंक्लिनेशन ऑफ कैमरा क्या कहलाता है, जो हमारा कहलाता है टिल्टेड फोटोग्राफ कहा जाता है, टिल्टेड फोटोग्राफ। चलो 11th नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू फॉर अ नेचुरल बिल्डिंग मटेरियल लाइक बैम्बू ड्यूरिंग एंड अर्थक्वेक। एक अर्थक्वेक की कंडीशन के दौरान, अर्थक्वेक की कंडीशन के दौरान अगर हम बात करें कि बैम्बू मटेरियल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है, कौन सा डाउट है सौरभ बेरा जी? 10वां नंबर रिपीट कर दूं? अरे क्या बोला था, अगर बोल्टेड कनेक्शन है यहां पर, कहां ध्यान है आज सभी का, ए भी रिपीट वो भी रिपीट। चलो अभी देखो 10वां क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, देखो अगर हम बात करें बोल्टेड कनेक्शन का जो प्लेन है उससे पास हो रहा है तो यहां पर टॉर्शन जनरेट हो जाता है, टॉर्शन जनरेट हो जाने के कारण केवल केवल क्या मिलेगा, शेयर मिलेगा, केवल केवल क्या मिलेगा, शेयर, बेंडिंग वगैरह नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ये लोड जो है, लोड एक्सेस जो है इस बोल्टेड कनेक्शन के प्लेन के बाहर से पास होगा तो ये इसेंट्रिसिटी जनरेट होने के कारण यहां पर बेंडिंग भी होगी, टेंसाइल स्ट्रेसेस भी आएंगी, शियर स्ट्रेसेस भी आएंगी और कंप्रेसिव भी आएंगी, क्योंकि बेंडिंग के कारण टॉप फाइबर में टेंसाइल हो जाएगा और बॉटम फाइबर में कंप्रेशन हो जाएगा। तो ये सारा ऑप्शंस 4 नंबर हो जाता अगर हमारा ये होता, ठीक है नव्या? चलो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो अभी क्लियर है, ओके सौरभ कोई इश्यूज नहीं, ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू फॉर अ नेचुरल बिल्डिंग मटेरियल लाइक बैम्बू ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। ड्यूरिंग अर्थक्वेक के लिए किस तरीके से हेल्पफुल है, इट विल रेजिस्ट, इट विल रिजल्ट इन अ फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर। इस किस में निकल के आएगा, फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर, बिल्कुल बैम्बू एक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर की तरह ही होता है, लेकिन हाउएवर नीड टू बी डिजाइन स्टिफ इनफ टू रेजिस्ट अर्थक्वेक फोर्स। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, हाउएवर नीड टू बी डिजाइन स्टिफ इनफ। अगर हम बात करते हैं तो अर्थक्वेक रेजिस्टेंस जो जनरेट होता है, ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं अर्थक्वेक, अगर हम बात करते हैं अर्थक्वेक रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो अर्थक्वेक रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टिफनेस ऑफ मेंबर। अगर मेंबर ज्यादा स्टिफ है तो अर्थक्वेक रेजिस्टेंस कम से कम निकल करके आएगा, और अगर बैम्बू को बहुत ज्यादा स्टिफ बना दिया तो अर्थक्वेक रेजिस्टेंस 0, बहुत कम निकल करके आएगा। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। सिंस इट हैज अ गुड स्पेसिफिक स्ट्रेंथ, गुड स्पेसिफिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, स्ट्रेंथ अपॉन वेट रेशियो। स्ट्रेंथ देखो एमपीए पर किलोग्राम लिखा है, एमपीए पर किलोग्राम का मतलब क्या है, स्ट्रेंथ अपॉन वेट रेशियो, द अर्थक्वेक रेजिस्टेंस इज बेटर। बिल्कुल सही बात है, टिम्बर लाइट वेट होता है, लाइट वेट होने के कारण इसकी स्पेसिफिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। तो अगर हम बात करें बीइंग लाइट इन वेट इट विल एक्सपीरियंस लेसर अर्थक्वेक फोर्स, बिल्कुल सही बात है, स्पेसिफिक स्ट्रेंथ अच्छी है इसलिए अर्थक्वेक फोर्स क्या करेगा, कम एक्सपीरियंस करेगा। तो 2 एंड 3 यहां पर सही हो जाएगा, 2 एंड 3 के हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा, 11th का ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाता है। क्लियर है बात? तो हम आगे बढ़ते हैं इसी तरीके से 12th नंबर की बात करते हैं। द मोस्ट वैल्यूएबल टिम्बर मे बी ऑप्टेंड फ्रॉम, अगर हम बात करते हैं मोस्ट वैल्यूएबल टिम्बर का, तो वैल्यूएबल टिम्बर किससे पाया जाता है, बहुत बढ़िया, किससे पाया जाता है, टीक से मिलता है, और टीक की प्रॉपर्टी क्या है, हार्ड एंड स्ट्रांग होता है, हार्ड एंड स्ट्रांग होता है। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो रेजिस्टेंस होता है अगेंस्ट, रेजिस्टेंस होता है अगेंस्ट, अगेंस्ट रेजिस्टेंस होता है अगेंस्ट किसके, वाइट आंट के, वाइट आंट के अगेंस्ट इसका रेजिस्टेंस भी निकल करके आता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो ड्यूरेबल है एंड फायर रेजिस्टेंस है, ड्यूरेबल है एंड फायर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी इसकी मिल रही होती है, फायर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी मिल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सीजनिंग जो है वो ईजी है, सीजनिंग इज ईजी, सीजनिंग क्या है, ईजी है। और अगर हम बात करते हैं तो वेदर रेजिस्टेंस भी क्या है, अच्छा है, वेदर रेजिस्टेंस WETHER, वेदर रेजिस्टेंस इज गुड, वेदर रेजिस्टेंस भी क्या है, इज गुड है। तो इसलिए हम यहाँ पर मोस्ट जो मोस्ट वैल्यूएबल टिम्बर है वो कौन सा हो जाएगा, टीक निकल करके जाएगा, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल सौरभ जी सही बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारी प्रॉपर्टियां, टीक जनरली इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज के लिए यूज कर लेते हैं हम, ठीक है।
वुडन स्लीपर में ये भी यूज़ करते हैं, टीक भी यूज़ करते हैं, देवदार भी यूज़ करते हैं। चलो बहुत बढ़िया, इतनी प्रॉपर्टी। देखो एक और क्वेश्चन बन गया कि ये सारे पॉइंट लिख दिए, बता दिया कौन सा सही है, बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो एक और क्वेश्चन बन गया यहाँ पर 12th का साथ साथ। नेक्स्ट, द लॉसेस इन द ओपन चैनल वेरी एज प्रोपोर्शनल टू, अगर हम लॉसेस की बात करते हैं ओपन चैनल में जो लॉसेस हो रहे हैं वो कैसे निकालते हैं, लॉसेस इन द ओपन चैनल इज इक्वल टू फ्रिक्शन फैक्टर लेंथ अपॉन 4 टाइम्स ऑफ मीन हाइड्रोलिक रेडियस इनटू वी स्क्वायर अपॉन 2g निकल करके आता है। तो जो हेड लॉस है ड्यू टू फ्रिक्शन वो कितना निकल कर आता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर निकल करके आता है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर हुआ तो वी स्क्वायर वाला ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाता है। ठीक है, एजी मूवी मैंने देखी नहीं यार, पता नहीं कौन सी मूवी है एजी। ठीक है चलो, मैंने देखा नहीं, मुझे पता नहीं है। चलो ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 14 नंबर की। द अलाउेबल शेयर स्ट्रेस इन स्टिम्ड स्टिफ्ट वेव सॉरी इन स्टिफेंड वेव्स ऑफ माइल्ड स्टील बीम डिक्रीजेस विद, अगर हम बात करते हैं अलाउबल शेयर स्ट्रेस की, तो जो अलाउबल शेयर स्ट्रेस है वो स्टिफेंड बीम में डिक्रीज होता है विथ इंक्रीज इन स्पेसिंग, विथ इंक्रीज इन स्पेसिंग, स्पेसिंग में इंक्रीज होने के बाद, स्पेसिंग में इंक्रीज होने के कारण जो होता है वो क्या होता है, ये डिक्रीज होता जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहां पर आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा आइस एज, आईसेस कौन सी मूवी है, वो एनिमेशन वाली है क्या आईसेस, समझ गया मैं। ठीक है चलो, 14 का ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो गया। सभी देखिए डी ऑप्शंस दे रहे हैं, आकाश जी डी ऑप्शंस नहीं है, बी होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 15, आलम आरा पहली बोलती फिल्म, इंडिया की पहली बोलती फिल्म आलम आरा है, ऐसा क्या। चलो फाइंड वेन शेयर इज द अप्रोप्रिएट फील्ड टेस्ट फॉर ऑब्टेनिंग द शेयर स्ट्रेंथ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखो वेन शेयर टेस्ट क्या करते हैं, उसमें जो वेन्स होता है उसको पंच करते हैं हम सॉइल के अंदर और उसके बाद उसको रोटेट करते हैं। तो अगर हम रोटेट करने की बात करते हैं, रोटेट करने की बात करते हैं, तो रोटेट करते हैं तो किस सॉइल में अच्छे से रोटेट हो जाएगा, जो हार्ड सॉइल होगा उसमें रोटेट नहीं हो पाएगा, जो सॉफ्ट सॉइल होगा उसमें रोटेट हो जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं सैंड के लिए ये नहीं होगा, ग्रेवल के लिए नहीं होगा, क्ले के लिए हो सकता है, बट स्टिफ के लिए नहीं होना चाहिए। बट क्या नहीं होना चाहिए, स्टिफ के लिए वहां पर भी नहीं होना चाहिए, और वेदर रॉक के लिए तो और भी नहीं होगा। तो हम बात करते हैं यहां क्ले हमारा आंसर हो जाएगा एज पर द क्वेश्चंस, एज पर द क्वेश्चंस के आंसर हो जाएगा हमारा क्ले आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा सभी लोग, अपने टेस्ट परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है तो आप टेस्ट बुक पास को जरूर एक्सेस कीजिएगा। और टेस्ट बुक पास की बात करें तो वहाँ पर कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं VASPASS फॉर गेटिंग 10% डिस्काउंट। तो जितने भी इंजीनियरिंग एग्जाम्स हैं या फिर आपके बैंकिंग के एग्जाम्स हैं, किसी भी तरीके के एग्जाम्स हैं और उसके लिए आप यदि प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर, या आपके घर में आपके भाई वगैरह कोई भी प्रिपरेशन कर रहा है तो यहाँ पर टेस्ट बुक पास को एक्सेस किया जा सकता है। वो कैसे एक्सेस करना है, आप वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाएंगे और डिस्क्रिप्शन लिंक में जाने पर आपको यहां पर, ठीक है, तो अगर हम देखेंगे तो यहां पर आपको क्या दिखता है, 399 रुपीज की अगर हम बात करते हैं पास दिख रहा है। तो अगर आप 399 रुपीज के दिखता है तो कूपन को अप्लाई कीजिएगा और कूपन को अप्लाई करके आप रखेंगे VASPASS और इस कूपन को अप्लाई करने के बाद यही पास आपको मिलने वाला है 360 डेज का, 360 रुपीज़ में फॉर 365 डेज। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर काफ़ी एग्ज़ाम इंक्लूड हो चुके हैं तो 520+ एग्ज़ाम्स यहाँ पर हैं, तो जितने भी आपके फ्रेंड वगैरह हैं सबको यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर आप टेक्स्ट बुक पास से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन का आंसर, तो लास्ट क्वेश्चन का आंसर भी हम यहाँ पर देख लेते हैं कि लास्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होने वाला है। ठीक है, तो हम बात करें द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रिक्शन पाइल इज 100 किलोन्यूटन, एक फ्रिक्शन पाइल की कैपेसिटी कितना है, 100 किलोन्यूटन है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं व्हाट इज द टोटल लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अ ग्रुप ऑफ 9 सच पाइल विच विथ अ ग्रुप इफिशियंसी ऑफ फैक्टर ऑफ 0.8, अगर 0.8 फैक्टर है तो इफिशियंसी इज इक्वल टू होता है ग्रुप इफिशियंसी, ग्रुप सॉरी
लोड टेकन बाय ग्रुप ऑफ फाइल अपॉन एन टाइम्स ऑफ एन, यानी नंबर ऑफ फाइल्स इनटू लोड टेकन बाय वन फाइल। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ईटा इज इक्वल टू क्यू यू जी अपॉन एन टाइम्स ऑफ क्यू पी लगा देंगे। क्यू पी की वैल्यू 100 किलो न्यूटन दी गई है, एन की वैल्यू 9 दिया गया है और ये 0.8 दिया गया है। तो 7.2, 9 इंटू 0.8 7.2 इंटू 100 720 किलो न्यूटन आंसर निकल करके आ जाएगा। तो हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। तो नितेश जी एमपी सब जिन्हें पीवाईक्यू करवा दीजिएगा। ओके नितेश जी, बिल्कुल आपकी बात को यहाँ पर ध्यान में रखा जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर डी ऑप्शंस दे रहे हैं राकेश बारडे जी। राकेश बारडे जी, डी ऑप्शंस नहीं होगा, सी ऑप्शंस निकल करके आएगा। ठीक है, अगेन हम बात कर रहे हैं टेस्ट। ओके अजय जी, बिल्कुल आपकी बात रखी जाएगी। अरुण कुमरे जी ने भी यहाँ पर सही आंसर दिया गया है, बहुत बढ़िया, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब हम वापस आ जाते हैं हमारे प्रैक्टिस सेशन पर। ठीक है, अरे यार तुम लोग चालू हो गए मतलब यहाँ पर। ठीक है चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर। क्या चालू हो गए हो? अच्छा ड्रिंक ब्रेक, अच्छा मैच चल रहा है। अच्छा देख लिया ढक्कन मूवी, ओके ठीक है बच्चों चलो आगे बढ़ें। देवदास, देवदास मूवी तो देख लेना, बन मत जाना देवदास। चलो कोई दिक्कत नहीं, अरे यार कोई दिक्कत नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, द रॉक विच शोज ग्रेट वेरिएशन इन वाटर यील्डिंग कैपेसिटी, वाटर यील्डिंग कैपेसिटी में जो बहुत ज्यादा वेरिएशन शो कर रहा है वो कौन सा है? अगर हम बात करते हैं ग्रेनाइट और मार्बल तो ये तो नहीं कर सकते हैं, क्यों? एक तो हमारा क्या है, ग्रेनाइट तो हमारा इग्नियस रॉक है, बहुत ही हार्ड होता है, ठीक है, और मार्बल हमारा क्या है, मेटामॉर्फिक, तो यहां से भी पानी का पास होना मेटामॉर्फिक, तो यहां से भी पानी का पास होना पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो हम बात करें ग्रेनाइट और मार्बल, ये दोनों ऑप्शंस हो नहीं सकते हैं। अब बचा क्या, सैंडस्टोन एंड कोल। कोल एक तरीके का फॉसिल फ्यूल है, कोल एक तरीके का फॉसिल फ्यूल है, इसको जनरली हम बात करते हैं यहाँ पर कि ये तो यूज नहीं होगा, लेकिन सैंडस्टोन की बात करेंगे, सैंडस्टोन जो होगा वो हमारा क्या होता है, वाटर की यील्डिंग करवा सकता है, वाटर की यील्डिंग करवा सकता है, वेरिएशन भी बहुत ज्यादा करवाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा, ग्रेनाइट तो आंसर नहीं हुआ। क्वेश्चन में पूछा वाटर यील्डिंग कैपेसिटी, वाटर यील्डिंग का मतलब क्या है, पानी को प्राप्त करना, जहां से पास हो सकता है, वाटर यील्डिंग मतलब पानी को पास होकर के प्राप्त करना है। ठीक है, जल लब्धि क्षमता, जल लब्धि क्षमता की बात की जा रही है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ग्रेनाइट नहीं हो सकता है, इग्नियस रॉक है, पानी का वहां से पासिंग नहीं होती है। हाँ पोरोसिटी जरूर ज्यादा हो सकती है, रख सकता है लेकिन पासिंग नहीं होती है। मार्बल भी मेटामॉर्फिक रॉक की तरह होता है, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि नहीं होता है। जो होता है सैंडस्टोन वो क्या होता है, सेडिमेंट्री रॉक होता है। कैसा होता है, सेडिमेंट्री रॉक होता है, और सेडिमेंट्री रॉक में सेडिमेंट लेयर बाय लेयर पानी का फ्लो होता रहता है, उसी के कारण पानी का वेरिएशन होता है यील्डिंग का। क्लियर है बात? चलो चलो, क्या बात है सौरभ जी, क्या बात है, चलो निगाहों में कोई चेहरा नहीं आया, अच्छा आशाएं हैं तुम्हारे लौटने की, बहुत बढ़िया। चलो, इफेक्टिव मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द शॉर्ट टर्म डिफ्लेक्शन ऑफ अ रेनफोर्स्ड कॉन्क्रीट सेक्शन डज नॉट डिपेंड एंड, अगर हम बात करते हैं इफेक्टिव मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं, किस पर डिपेंड नहीं करता है, तो हम बात करते हैं इफेक्टिव मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, आई क्रैकिंग इन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, आई इज इक्वल टू आई क्रैकिंग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, जल लग रहा है। ओके चलो, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर वापस आ जाएं, पंजाबी हिंदी उर्दू मराठी फारसी बंगाली सब हो गए हो तो यहाँ वापस आ जाएं हम लोग, वापस आ जाओ सभी लोग। तो आई इफेक्टिव, इफेक्टिव मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, वो होता है क्रैकिंग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन 1.2 माइनस क्रैकिंग मूवमेंट अपॉन एक्चुअल मूवमेंट इनटू जेड लीवर आर्म अपॉन डेप्थ ऑफ द, बात करें डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, और 1 माइनस एक्स वाई डी इनटू वी डब्ल्यू बाई टी निकल कर आता है, वी डब्ल्यू बाई वी निकल कर आता है, विड्थ ऑफ वेव अपॉन एक्चुअल वेव विड्थ, ठीक है, तो ये निकल करके आता है। तो अगर हम बात करते हैं मैक्सिमम मूवमेंट अंडर द सर्विस लोड,
नॉट डिपेंड पूछा है, नॉट डिपेंड, तो मैक्सिमम मूवमेंट अंडर द सर्विस लोड इस पर डिपेंडेंसी है, हाँ एम क्रिटिकल है, अंडर द सर्विस लोड जो मैक्सिमम मूवमेंट हो सकता है उसके अलॉन्ग क्या निकालते हैं, क्रैकिंग मूवमेंट निकालते, तो इस पर डिपेंडेंसी हो सकती है। डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस, एक्स क्या होता है, डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस होता है, ठीक है, डेप्थ ऑफ द, ठीक है निधि शर्मा जी दो मिनट रुकिएगा, तो अगर हम x की बात करते हैं तो x हमने निकाला न्यूट्रल एक्सिस, तो न्यूट्रल एक्सिस की पे भी डिपेंडेंसी हो सकती है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो ब्रीथिंग श्रिंकेज स्ट्रेन ऑफ कॉन्क्रीट, अगर हम बात करते हैं ब्रीथिंग श्रिंकेज, सॉरी विर्थ श्रिंकेज स्ट्रेन ऑफ कॉन्क्रीट, तो विर्थ श्रिंकेज स्ट्रेन ऑफ कॉन्क्रीट पर डिपेंडेंसी नहीं होती है, जबकि अल्टीमेट श्रिंकेज स्ट्रेन ऑफ कॉन्क्रीट पर होता है। अल्टीमेट श्रिंकेज स्ट्रेन पर कैसे निकालोगे, अल्टीमेट श्रिंकेज स्ट्रेन पर देखो Z लीवर आर्म है और M क्या है, मूवमेंट है, तो ये दोनों चीजें किस पर डिपेंड करेंगी, हमारी अल्टीमेट स्ट्रेंथ पर डिपेंड करेंगी, और अल्टीमेट स्ट्रेंथ से हम क्या निकालेंगे, अल्टीमेट श्रिंकेज स्ट्रेन भी कर सकते हैं, तो इस पर डिपेंडेंसी होती है, जबकि ब्रीथ श्रिंकेज स्ट्रेन पर हमारी कोई भी डिपेंडेंसी नहीं निकल करके आती है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं, ये हमें यहां पर ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहां पर उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, यहां पर चार तरीके के फॉर्मेशन होते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा एक्यूफर्स, तो एक्यूफर्स वो हमारे होते हैं जिनके पास परमिबिलिटी भी होती है और पोरोसिटी भी होती है, ठीक है। दूसरा होता है एक्यूटार्ड, एक्यूटार्ड, एक्यूटार्ड के पास परमिबिलिटी जो होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, जबकि पोरोसिटी जो होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। फिर होता है एक्यूक्लूड, एक्यूक्लूड, और एक्यूक्लूड के पास परमिबिलिटी लगभग बहुत कम जीरो हो जाती है और पोरोसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, मतलब पानी को होल्ड करके रखने की पावर बढ़ जाती है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं सबसे लास्ट में होता है एक्यूफ्यूज, एक्यूफ्यूज की बात करते हैं तो ये फ्यूज ही हो गए, फ्यूज हो गए मतलब इनकी परमिबिलिटी भी जीरो हो चुकी है और पोरोसिटी भी लगभग जीरो हो चुकी है। तो अगर एक्यूफर्स बोले तो परमिएबल एंड पोरस कॉम्बिनेशन है, एक्यूटार्ड बोले लेस परमिएबल एंड पोरस कॉम्बिनेशन है, एक्यूक्लूड बोले तो नॉन परमिएबल एंड हाईली पोरस कॉम्बिनेशन है, और एक्यूफ्यूज बोले तो नॉन परमिएबल नॉन पोरस। अगर इनके एग्जाम्पल फॉर्म में अगर आप लिखना चाहें तो थोड़ा सा याद कर सकते हैं, एग्जाम्पल लिखना चाहें तो इसका क्या होगा, सैंड एंड ग्रेवल हो जाएगा, सैंड एंड ग्रेवल। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, सिल्ट। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, क्ले। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा, रॉक्स हो जाएंगे। तो सी फॉर क्ले और सी फॉर क्लूड, सी फॉर क्ले और सी फॉर क्लूड, तो यहां पर इस तरीके से हम यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर इस तरीके से हम यहां पर देख सकते हैं थोड़ा सा, और फ्यूज का मतलब क्या है, दोनों जीरो, ठीक है। तो क्लियर हुआ आपको निधि शर्मा जी, क्लियर हुआ, चलो बाकी सभी को क्लियर हुआ, 17 नंबर हो गया है हमारा, अब 18 नंबर बात करते हैं, ठीक है। ऑयल वार्निश जनरली कंसिस्ट ऑफ, अगर हम बात करते हैं ऑयल वार्निशेस, अगर हम बात करते हैं ऑयल वार्निशेस जनरली कंसिस्ट ऑफ, ऑयल वार्निशेस जनरली क्या रखते हैं, तो ऑयल वार्निशेस की बात करते हैं तो ये जनरली रेजिन रखते हैं, ऑयल रखते हैं, टर्पेंटाइन रखते हैं, ठीक है। और क्या रखते हैं, रेजिन रखते हैं, ऑयल रखते हैं, टर्पेंटाइन रख रहे होते हैं, तो यहां पर ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा, डायरेक्टली आंसर निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 19 नंबर, द शेयर स्ट्रेंथ इन अ प्लास्टिक अनड्रेन्ड क्ले, प्लास्टिक अनड्रेन्ड क्ले है इज ड्यू टू, अगर शेयर स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो सबसे पहले तो क्ले है, और अगर प्लास्टिक अनड्रेन्ड है तो अनड्रेन्ड कंडीशन में फ्रिक्शन तो होगा नहीं, और फ्रिक्शन नहीं होगा तो केवल और केवल क्या होगा, कोहेशन होगा। तो हम बात करें केवल और केवल किसके कारण होती है, कोहेशन के कारण होती है। तो अगर हम बात करें तो शेयर स्ट्रेंथ जो होती है वो 3 कारणों से निकल करके आती है, शेयर स्ट्रेंथ 3 कारणों से निकल कर, बहुत बढ़िया। पहला कारण क्या होता है, फ्रिक्शन बिटवीन द पार्टिकल। दूसरा कारण क्या होता है, इंटरलॉकिंग होता है पार्टिकल के बीच की। और तीसरा कारण क्या निकल करके आता है, कोहेशन निकल करके आता है, ठीक है। तो इंटरलॉकिंग के कारण अगर हम बात करते हैं ग्रेवल एंड सैंड में बात करें तो किसके कारण से होता है, इंटरलॉकिंग के कारण होता है, मेनली किसके कारण होता है, इंटरलॉकिंग के कारण। और साथ साथ अगर हम बात करते हैं प्लस किसके कारण होता है, फ्रिक्शन के कारण निकल के आता है। सिल्ट में बात करते हैं तो किसके कारण निकल के आता है, फ्रिक्शन के कारण निकल के आता है, प्लस प्लस किसके कारण, कोहेशन के कारण निकल करके आता है। जबकि हम प्योर क्ले की बात करें तो प्योर क्ले की जो शेयर स्ट्रेंथ होती है केवल और केवल किसके कारण निकल के आती है, कोहेशन के कारण निकल करके आ रही होती है। तो इतनी चीज हमें यहां पर ध्यान रखनी है। 3 और क्वेश्चन बन गए हैं यहां पर, 3 क्वेश्चन और बन गए, क्लियर है बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अरे भाई शेयर करो, तुमसे बोला है कम से कम कभी तो 100 के पार जाओ।
कब तक यूं ही 50 पे खेलते रहोगे। चलो 20 नंबर, व्हाट शुड बी द अपर्चर रिक्वायर्ड फॉर टैक्योमेट्री। टैक्योमेट्री के लिए जो अपर्चर रिक्वायर्ड है वो कितना होता है। अपर्चर बात करते हैं, एक स्पेस होता है जिससे लाइट अंदर जाएगी, रेज अंदर जाएगी। तो अपर्चर की जो वैल्यू ली जाती है टैक्योमीटर में वो कितना लिया जाता है, 35 mm से लेकर के 45 mm के बीच तक ली जाती है। 35 mm से 45 mm, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा, 40 mm लिया है। ठीक है, अच्छा गंदे बच्चे हैं, चलो बहुत बढ़िया, गंदे बच्चे हैं कोई दिक्कत नहीं। तो अच्छे बच्चे कहाँ रह गए हैं सारे के सारे। चलो तो हम बात करते हैं, 40 mm निकल करके आएगा आंसर, क्लियर है बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर यूज टू रिड्यूस द सिल्ट एंट्री इन टू द ऑफ टेकिंग कैनाल। अगर हम बात करते हैं ये पेरेंट कैनाल है और इसमें हम बात करते हैं यहाँ पर ऑफ टेकिंग कैनाल है, तो ऑफ टेकिंग कैनाल में हमें क्या रोकना है, ये पेरेंट कैनाल है, ये पेरेंट कैनाल है और ये क्या है, ऑफ टेकिंग कैनाल है। तो ऑफ टेकिंग कैनाल में हमें क्या करना है, सिल्ट की एंट्री को रोकना है। तो हम जनरली किसका यूज करते हैं, हम यूज कर रहे होते हैं सिल्ट एक्सक्लूडर का, और अगर एंट्री हो गई तो एंट्री के बाद यहां पर हम निकाल रहे होते हैं, इसको निकाल रहे होते हैं, सिल्ट इजेक्टर का यूज करते हैं। यहां पर क्या यूज करते हैं, सिल्ट इजेक्टर का। ठीक है, अच्छा सेल्फ स्टडी कर रहे हैं बच्चे, ओके कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहां पर क्या होता है, तो सिल्ट एस्केप क्या होता है, एक्सेस फ्लड वाटर को रिमूव करना है। तो हम क्या यूज करते हैं, फ्लड वाटर को रिमूव करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सिल्ट एस्केप यूज करते हैं। अगर यहां पर सिल्ट को निकालना है, एंट्री होने से पहले निकालना है, एंट्री होने से पहले निकालना है, तो क्या यूज करते हैं, सिल्ट एक्सक्लूडर यूज करते हैं। और एंट्री होने के बाद निकालना है तो क्या करते हैं, सिल्ट इजेक्टर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, सिल्ट इजेक्टर यूज कर रहे होते हैं। तो अगर हम बात करते हैं यहां पर, हमें सिल्ट इजेक्टर के नाम दिए गए हैं, डिफरेंट टाइप के सिल्ट इजेक्टर, किंग्स वेन्स, गिप्स ग्राइंस वॉल और कैंटिलीवर स्कीमिंग प्लेटफॉर्म, ये तीनों के तीनों क्या है, सिल्ट इजेक्टर है। तो हम बात करते हैं 1, 2 और 3 तीनों हमारे आंसर हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर 3 आंसर होगा। गुड मॉर्निंग राहुल जी, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, इन अ कैनाल अ सिस्टर्न एलिमेंट इज डिजाइंड ऑन द। अगर हम बात करते हैं सिस्टर्न एलिमेंट क्या होता है, ठीक है, सिस्टर्न का मतलब होता है एक पानी की टंकी की तरह का एलिमेंट। गुड मॉर्निंग, चलो ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं यहां पर, जब हम कैनाल फॉल बनाते हैं, ये क्रीस्ट है हमारी, ये क्रीस्ट है कैनाल फॉल में, और जब यहां क्रीस्ट पर पानी होता है तो पोटेंशियल एनर्जी बहुत हाई होगी, और जब पानी नीचे गिरना स्टार्ट होगा तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा, और ये काइनेटिक एनर्जी इस बेड को क्या करेगी, इरोड करने की कोशिश करेगी। तो हम क्या करेंगे, यहां पर एक वाटर का पूल टाइप बना देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टर्न एलिमेंट बोलते हैं। तो जो हमारी क्या करता है, एनर्जी डिसिपेशन करेगा, क्या करेगा, एनर्जी डिसिपेशन का कर रहा होता है। तो जो काइनेटिक एनर्जी आ रही है, जिसके कारण हमारा बेड जो है वो इरोड हो सकता है, उसको रिलीज करने का काम करेगा, उसको एनर्जी डिसिपेट करने का काम करेगा, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, सिस्टर्न एलिमेंट कहे जाते हैं। और अगर हम सिस्टर्न एलिमेंट की बात करें तो डिजाइंड कहाँ पर होते हैं, अपस्ट्रीम साइड ऑफ द फॉल, फॉल ये है, और फॉल के अपस्ट्रीम साइड पर अगर हम बात करेंगे तो हमारा अपस्ट्रीम साइड पर है या डाउनस्ट्रीम साइड पर है, हमारा डाउनस्ट्रीम साइड पर, तो हमारा ऑप्शन नंबर ये तो अलग हो गया, अपस्ट्रीम साइड ऑफ द फॉल टू प्रिवेंट द डैमेज टू द बेड एंड साइड्स ड्यू टू द अनडिजायरेबल स्कोर। तो अपस्ट्रीम साइड पे तो नहीं होता है, डाउनस्ट्रीम साइड ऑफ द फॉल टू डिसिपेट द काइनेटिक एनर्जी एंड प्रिवेंट द डैमेज टू द बेड एंड साइड्स ड्यू टू द अनडिजायरेबल स्कोर। तो हम बात करते हैं, ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जो लंबी लाइन वही आंसर, क्या बात है, तो ऐसे हर जगह होगा क्या कालीचरण जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर की बात करते हैं, सुपर प्लास्टिसाइजर्स इंक्रीजेज स्लंप ऑफ कंक्रीट ड्यू टू विच फिनोमिना। इसका आंसर दीजिएगा, इसका आंसर दीजिएगा, इसका क्या होगा। तो अगर हम बात करते हैं सुपर प्लास्टिसाइजर क्या करते हैं, सरफेस एरिया को हम बात करते हैं, तो सरफेस एरिया की प्रॉपर्टी पे वर्क करते हैं, और सरफेस एरिया में डिफॉर्मेशन होने के कारण
हमारा जो है वर्केबिलिटी क्या हो जाती है, इनहांस हो जाती है। तो सरफेस एरिया के ऑप्शन कौन सा है? एक तो हम करेंगे डिस्पर्शन कर देंगे, जिससे सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा मिल जाएगा, और डीफ्लकुलेशन कर देते हैं, जिससे छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट होने के कारण सरफेस एरिया बड़ा मिल जाएगा। और सरफेस एरिया ज़्यादा मिलेगा तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है हमारा, उस कंडीशन में हम बच जाते हैं, तो हमारा सुपर प्लास्टिसाइजर काम करने लगता है, वर्केबिलिटी बढ़ जाती है। अच्छा, सुपर प्लास्टिसाइजर जो है वो पानी के अमाउंट को कितने प्रतिशत तक कम कर सकते हैं? 30% तक कम कर सकते हैं। ठीक है, 30% तक कम कर सकते हैं। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 लंबी वाली लाइन इज द आंसर। अच्छा चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर है ओवर हियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द कन्वेंशनल साइन शोन इन द फिगर बिलो इज रिप्रेजेंट। भैया साइन कहाँ गायब हो गया है? चलो बना देते हैं साइन। साइन कुछ इस तरीके से था, ठीक है, ये ऊपर पे यहां पर कुछ इस तरीके के साइन था। तो बताओ ये साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये साइन किसको, ये ब्रिज है नीचे, ये रोड ब्रिज है, और रोड ब्रिज के ऊपर क्या है, रेलवे लाइन बनाई गई है। तो ब्रिज कैरिंग अगर हम बात करते हैं तो साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ठीक है, जो ब्रिज है वो बिलो रेलवे लाइन है, ब्रिज जो है वो कहाँ है, बिलो रेलवे लाइन है। अगर बिलो रेलवे लाइन है तो यहाँ पर ब्रिज आंसर हो गया। ठीक है, ब्रिज यहाँ पर रेलवे लाइन के नीचे हो गया, लेवल क्रॉसिंग नहीं होगा। अगर लेवल क्रॉसिंग होता तो इस तरीके से बनता ही है, ये लेवल क्रॉसिंग बन रहा होगा, ये लेवल क्रॉसिंग बन रहा होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें, अगर देखिएगा, अगर पहला ऑप्शन करता ब्रिज कैरिंग रेलवे बिलो रोड, रेलवे को बिलो रोड करना होता तो क्या करता, ये वाले जो पॉइंट है इनको साफ कर देता, वो ये वाले पॉइंट है जो इनको क्या कर देता है, साफ कर देता। तो कुछ इस तरीके से निकल करके आता कि जो रेलवे लाइन नीचे होती तो इस कंडीशन में निकल, लेकिन अभी क्या है, अभी पूरा पूरा ये बना करके दे रहा है, मतलब रेलवे लाइन कहाँ है, ऊपर है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, बहुत बढ़िया। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ सिंगल अनइक्वल एंगल सेक्शन इज। अगर सिंगल अनइक्वल एंगल सेक्शन की बात करते हैं तो टेंसाइल स्ट्रेंथ कैसी होती है? अगर हम बात करते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, डिजाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू यील्डिंग ऑफ ग्रॉस सेक्शन, ग्रॉस सेक्शन की यील्डिंग के कारण जो डिजाइन स्ट्रेंथ निकल के आती है उसको ही हम क्या बोलते हैं, उसको ही टेंसाइल स्ट्रेंथ के बराबर बोल दिया जाता था। 25 का ऑप्शन नंबर 2। अच्छा गुप्ता इन गुप्ता, अच्छा अभी मीना जी ऐसा बोलेंगे आप, ठीक है पूरा रटा हुआ है। ठीक है चलो बहुत बढ़िया, 25 का ऑप्शन नंबर बी बहुत बढ़िया। 26 की बात करते हैं, आज अजय जी बड़े खामोश से लग रहे हैं। चलो तो 26 की, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्योरिटीज इन द मिक्सिंग वाटर इज डिस्ट्रक्टिव फॉर द कॉन्क्रीट, कौन सी इम्प्योरिटीज है जो डिस्ट्रक्टिव हो जाती है? अगर हम कैल्शियम क्लोराइड की बात करें तो ये क्या करता है, कॉरोजन करता है, कॉरोजन इन RCC, बट PCC में क्या करेगा, PCC में किसी भी तरीके का इफेक्ट नहीं दिया गया। ठीक है, किसी भी तरीके का इफेक्ट नहीं दिया गया है। ठीक है, मे आई कमिंग सर? अच्छा, अगर मैं मना कर दूंगा तो नहीं आओगे क्या सेशन में? चलो तो अगर हम बात कर देंगे कैल्शियम क्लोराइड, अगर हम बात करें कैल्शियम क्लोराइड तो कोरोजन इन RCC करता है। अगर लेड नाइट्रेट की बात करते हैं, अगर लेड नाइट्रेट की बात करते हैं तो क्या करता है, क्रैक डेवलपमेंट करता है, क्या करता है, क्रैक डेवलपमेंट कर रहा होता है, क्रैक डेवलपमेंट कर रहा होता है, एंड हाई रिडक्शन इन स्ट्रेंथ, एंड हाई रिडक्शन इन स्ट्रेंथ कर रहा होता है, हाई रिडक्शन इन स्ट्रेंथ कर रहा होता है। ठीक है, तो एल्कली क्या होते हैं, एल्कली उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं कर रहे होते हैं बट फिर भी इफेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो एल्कली उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करते हैं लेकिन फिर भी क्या करते हैं, थोड़ा बहुत इफेक्ट कर रहे होते हैं, एफ्लोरेसेंसेस वगैरह करते हैं और इंक्रीज कर देते हैं किसको, वॉल्यूम चेंजेस को, वॉल्यूम चेंजेस को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। तो हम बात करें एल्कली, और एल्गी क्या कर रहे होते हैं भैया बताओ, एल्गी बॉन्ड को कम कर रहे होते हैं, ये कम करते हैं, डिक्रीज द बॉन्ड बिटवीन, डिक्रीज बॉन्ड बिटवीन एग्रीगेट एंड सीमेंट, एग्रीगेट एंड सीमेंट के बीच के बॉन्ड को क्या कर रहे होते हैं, कमजोर कर रहे होते हैं। तो हम बात करें यहां पर ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि क्रैकिंग हो रहा है और हाई रिडक्शन इन स्ट्रेंथ तो सबसे क्रिटिकल वही है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर। चलो क्लियर है बात,
तो यहां पर ऑप्शन नंबर टू इज द आंसर। 27 नंबर, एज पर द ICAO इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन रिकमेंडेशंस, व्हाट इज द रेट ऑफ एलिवेशन करेक्शंस फॉर द रनवे अबव मीन सी लेवल। मीन सी लेवल के ऊपर जो रनवे है उसके लिए एलिवेशन करेक्शन कितना लगाते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो वहाँ पर हम बात करते हैं कितना करेक्शन लगाते हैं, हम लगाते हैं 7% फॉर एवरी 300 मीटर ऑफ एलिवेशन अबव मीन सी लेवल। तो ये किसके लिए लगाते हैं हम, एलिवेशन करेक्शन। अगर हम यहीं पर बात कर लेते हैं, तो यहीं पर भी हम क्या लगाते हैं, एक टेम्परेचर करेक्शन भी लगाते हैं। टेम्परेचर करेक्शन कितना लगाते हैं रनवे के लिए, टेम्परेचर करेक्शन जो लगाते हैं वो कितना लगाते हैं, वो लगाते हैं 1% फॉर एवरी 1 degree सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर, राइट, इन टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर। एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर से 1% लगा रहे होते हैं, ठीक है। दूसरा, अगर हम बात करें ग्रेडियंट के लिए भी लगा रहे होते हैं, और ग्रेडियंट के लिए कितना लगा रहे हैं जल्दी बताओ, तो 20% फॉर एवरी 1% ऑफ इफेक्टिव ग्रेडियंट। 1% ऑफ इफेक्टिव ग्रेडियंट, अगर इफेक्टिव ग्रेडियंट में चेंज 1% है तो उसके लिए कितना लेके चलते हैं हम, 20% लेकर के चलते हैं, ठीक है। मैं क्लास के बाहर कर दिया हूं, आपको दिखाई नहीं दे रहा, जो भी लेट आ रहा है उसको मैंने बाहर कर दिया है, देखो बाहर ही तो है सारे के सारे, इस क्लास से बाहर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 हो गया है, 28 की बात करते हैं। फॉर ब्रिज स्पान लेस देन 9 meter, एक ब्रिज है जिसकी स्पान कितना है, 9 meter से कम है। IRC क्लास ए एंड 70 आर लोडिंग ऑफ व्हील्ड व्हीकल, द प्रोविजन फॉर इम्पैक्ट एंड डायनामिक एक्शन इज, तो इसका आंसर दीजिएगा। अगर हम बात करते हैं एक ब्रिज स्पान है जो कि लेस देन 9 meter है, IRC क्लास ए एंड 70 आर लोडिंग ऑफ द व्हील्ड व्हीकल, द प्रोविजन ऑफ इम्पैक्ट क्या होना चाहिए। अगर हम इन परसेंटेज में बात करें तो हम कितना होना चाहिए, 25% होना चाहिए, कितना होना चाहिए 25। लेकिन अगर ट्रैक्ट व्हीकल हुआ यहाँ पर, कैसा हुआ, ट्रैक्ट व्हीकल, और अगर ट्रैक्ट व्हीकल हुआ तो ट्रैक्ट व्हीकल के केस में अप टू 5 meter तक 25% होता है, अप टू 5 meter तक 25% होता है, और अप टू 9 meter अगर हम बात करें तो कितना लेके जाते हैं, 10 meter लेके जाते हैं। 5 से 9 के बीच में कितना, 10% लेकर के जा रहे होते हैं। तो ये भी हमें यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। 28 का 1, बहुत बढ़िया जा रहे हो, बहुत सही जा रहे हो, चले बहुत सही। हाँ, राजस्थान जेई में ब्रिज भी है सिलेबस में, बहुत बढ़िया। 29 की बात करते हैं। अ 30 centimeter डायामीटर फ्रिक्शन पाइल इज एम्बेडेड 10 meter इनटू अ होमोजेनियस कंसोलिडेटेड डिपॉजिट, एक होमोजेनियस कंसोलिडेटेड डिपॉजिट में है। तो डायामीटर कितना बोल दिया भैया, डायामीटर बोल दिया है हमने 30 centimeter, और लेंथ बोल दी है एल इज इक्वल टू 10 meter। यूनिट अडेशन डेवलप्ड बिटवीन द क्ले एंड पाइल इज 4 ton, तो कोहेशन जो है वो कितना निकल के आया, 4 ton पर मीटर स्क्वायर, एंड फ्रिक्शन फैक्टर कितना निकल के आया, 0.7 निकल के आया। तो सेफ्टी ऑफ फैक्टर अडॉप्टेड एज 3, तो हमें निकालना है सेफ लोड निकालना है। तो सबसे पहले तो अल्टीमेट लोड निकालो, अल्टीमेट लोड ऑन पाइल कितना होगा, अल्टीमेट लोड ऑन पाइल निकालिएगा, अल्टीमेट लोड ऑन पाइल निकालिएगा, वो कितना आएगा, अल्फा सी बार इंटू पाई डी इंटू एल निकल करके आएगा, पाई डी, ओके बी, इतनी जल्दी आंसर निकाल भी दिया, बहुत बढ़िया यार। तो 0.7 इंटू 4 इंटू पाई इंटू डी की वैल्यू 0.3, और एल की वैल्यू कितना निकल कर आएगा, एल की वैल्यू 10 निकल करके आएगा। तो ये वैल्यू बताइए कितना आ रहा है, तो जितना भी आ रहा है लेट से इट इज कमिंग एज वाई टन निकल करके आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं, तो अगर हम Q अलाउबल ऑन पाइल निकालना है, तो Q अल्टीमेट ऑन पाइल अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकल करके आएगा। तो Q अल्टीमेट ऑन पाइल कितना आ रहा है, Y अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3, तो ये कितना टन निकल करके आ रहा है, जो भी वैल्यू निकल करके आ रही है वो आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आंसर निकल करके आ रहा है, जो बी वाले ऑप्शन हैं वो ध्यान दें जरा, थोड़ा सा बी वाले लोग जो हैं वो ध्यान दें फिर से। अच्छा 26.3, तो कैलकुलेशन करना है, डायरेक्टली आंसर नहीं देना है बच्चों, 26.38 आ रहा है, 26.38, तो इसको लिख दो 26.38 डिवाइडेड बाई 3 टन्स, तो 8.8 टन्स आ रहा है। क्लियर हुई बात सभी को, अरे छोटे मोटे बच्चों, अरे छोटे बड़े बच्चों, ठीक है।
हाँ या ना? अजय जी हैं? क्या हुआ अजय जी? आज बड़े शांत हैं, खामोश हैं। तुक्का, ऐसे तुक्का नहीं लगाने हैं। जब कैलकुलेशन का टाइम है तो कैलकुलेशन कीजिएगा। हाँ अभी जी, ऐसे भूल जाते हैं। ये कोई खूबसूरत चेहरा नहीं है जिसको तुम याद रखोगे, इसलिए भूल जाया करते हैं। हो जाता है ऐसा। हाँ, नन्हे मुन्ने बच्चे। अच्छा, चलो तो यहां पर 29 क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। तो बार बार बोल रहा हूं बेटा, फर्स्ट आने की रेस में मत भागो, फर्स्ट आने की रेस में मत भागो। आपको क्या करना है? सही आंसर देना है। अपने आप फर्स्ट आ जाओगे, जितना टाइम है उसके हिसाब से चलिएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये बात कि फर्स्ट आने की रेस में। देखो मैं एक बिल्कुल टेक्निक बता रहा हूं, सिंपल सी टेक्निक बता रहा हूं, सुन लेना एक बार, एक बार सुन लो, एक बार सुन लो। मान लो क्वेश्चन है 50, आपने आपने 25 क्वेश्चन सही किए हैं, लेकिन 25 क्वेश्चन में आपने लगा दिया तुक्का, ये 25 के 25 हो गए गलत। तो इन 25 का 1/4 निकाल लेना, जरा कितना आता है? लगभग 6 नंबर चले जाएंगे, तो 25 में से 6 नंबर चले गए। ठीक है, अब आपके क्वेश्चन है 50, क्वेश्चन है 50, ध्यान रखो क्वेश्चन है 50, आपने 25 नंबर निकाल लिए, लेकिन आपने इसमें से 15 क्वेश्चन छोड़ दिए, और जो बाकी बचे 10 क्वेश्चन हैं उनको एलिमिनेशन राउंड से किया, एलिमिनेशन राउंड से। ठीक है, और इस एलिमिनेशन राउंड से करने पे अगर मान लो ये 10 के 10 गलत भी होते हैं, 10 के 10 गलत भी होते हैं, तो 2.5 नंबर माइनस होगा। कितना? 2.5 नंबर। और जब 2.5 नंबर माइनस होता है, जब 2.5 नंबर माइनस होता है, तो कितना बचता है आपका यहाँ पर? 22.5 नंबर। देखो पहले के कंपेरिजन में बढ़ गए या नहीं? पहले 19 आ रहे थे, अब 22.5 आ रहे हैं, नंबर बढ़ गए या नहीं? और अगर इस 10 में से एलिमिनेशन राउंड में से 2 भी सही हो गए और 8 गलत हो गए, तो ये नलीफाई हो जाएगा, मतलब नंबर कितने आए? 25। तो अपने आप को बेहतर बनाते जाओ, रिजल्ट अपने आप मिलने लगेंगे। अपने आप को बेहतर बनाते जाओ। भानु प्रताप जी, आपको तो शायद क्लास में भी मैंने डिस्कस किया है आपके साथ, तो है ना? बिल्कुल। तो अपने आप को बेहतर बनाते आओ, ये मत सोचो कि फर्स्ट आओगे। फर्स्ट आने की गड़बड़ में हम ये 25 के 25 गलत कर जाते हैं, फर्स्ट आने के डर में ही करते हैं ये सारी चीजें। आ रही है बात समझ में? तो ऐसी कंडीशन मत बनाओ कि फर्स्ट आएगा, फर्स्ट नहीं आना है। हम थोड़ा सा लेट आंसर दें बाकी लोगों से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सही आंसर। और बाकी लोग जल्दी आंसर दे रहे हैं तो गलत देंगे, और आपने सही दिया तो वो नंबर आप ही गेन करने वाले हो। तो जिंदगी में पेशेंस का होना बहुत जरूरी है। समझ रहे हैं बात को? तो दिस इज द मैथमेटिक्स ओनली। बिल्कुल, उसमें बेटर होना चाहिए। दिस इज द सिंपली मैथमेटिक्स ऑफ क्वालिफाइंग द एग्जाम। हम क्या करते हैं? इस 25 के पीछे भागते हैं। खीर खाओगे। चलो तो अगर हम बात करते हैं तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 जो होगा वो आपका होमवर्क क्वेश्चंस निकल करके आ गया। अब बिल्कुल ठीक है। अब तुम्हें एक और चीज बताऊं, एक तुम नॉर्मल सी शर्ट लेकर के आओगे किसी एक रिटेल मार्केट से, वो मान लो तुम्हें मिलेगी 500 की, और अगर वही शर्ट वही फैब्रिक एक मॉल में पहुंच जाता है, वो 300 500 रुपए से सीधा 1000 रुपये, 500 या 1000 रुपये या 1500 रुपये हो जाता है। 1000 रुपये 1500, किसकी वैल्यू हुई? टैग की, क्वालिटी की, टैग की वैल्यू। तो तुम वो टैग बन जाओ जिसकी वैल्यू 10 गुना हो जाए, वो टैग बन जाओ। क्लियर है? बहुत बढ़िया सौरभ, 24/29, बहुत बढ़िया। तो ये होमवर्क क्वेश्चन आपका रहेगा जिसको आपको आंसर देना है। ठीक है, क्लियर है? सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर दिस फैंटास्टिक सेशंस फॉर टुडे। मिलते हैं शाम को 9 बजे और कल सुबह 10 बजे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।